22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो हर कोई इंतजार कर रहा है भाई 22 जनवरी को यहाँ आने के लिए। जैसे अयोध्या में अभी हम श्री हनुमान गढ़ी मंदिर आ चुके हैं, ये आ गया आपका लता मंगेशकर चौक। अपना फ्री में लोकर सेवा ले सकते हो आप। वो खा गए, ले पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने के लिए लेके आ रखा हूं राम जन्मभूमि यानी अयोध्या धाम। तो जी अभी मेरे बैक साइड आप देख सकते हो, ये अयोध्या धाम का न्यू रेलवे स्टेशन जो कि अभी 30 दिसंबर को ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उद्घाटन करा है। तो जी अभी हम वहाँ खड़े हैं, तो आज बहुत वीडियो एक्सप्लोर करने वाली होने वाली है, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ और विजिट कर रहा हूँ अयोध्या में, तो बहुत मजा आएगा कि हम कौन कौन सी चीज़ देख पाएंगे और हम सब कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो चलते हैं। और अभी जो मेरे बैक साइड जो आप ये रेलवे स्टेशन देख रहे हो, ये अभी कुछ हो रही है साफ सफाई, तो अभी अंदर अलाउड नहीं कर रहे, लेकिन कुछ देर बाद जैसे हम जाएंगे तो हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन की जैसे मेन एंट्री यहाँ से होने वाली है, आप अपनी गाड़ी पर जैसे यहाँ से उतरते हो तो यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस आते हो तो ये कुछ गेट आपको दिखेंगे, तो देख सकते हो। तो यहाँ से गेट नंबर 1 होगा उस तरफ, गेट नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7। तो यहाँ से आप टोटल ये देख सकते हो कितना प्यारा यार ये लुक दे रहा है, लग रहा है कि जैसे हम एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, पूरा ऐसा लुक दे रहा है। तो अभी एक्चुअली ये गेट तो अभी बंद है, साफ सफाई हो रही है। तो दोस्तों अयोध्या जंक्शन का जैसे ये ओल्ड रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अयोध्या धाम जंक्शन, ये अभी लिखा गया है न्यू रेलवे स्टेशन का, जैसे नाम चेंज हुआ है जैसे, तो आप देख सकते हो पहले यहाँ से एग्जिट करते थे और अभी जैसे ये न्यू रेलवे स्टेशन का ये आप देख सकते हो भाई साहब कुछ व्यू कितना प्यारा बना है भाई। तो आने वाले कुछ दिनों में भाई यहाँ से आप एग्जिट कर पाओगे, जैसे आप अपने ट्रेन से उतरते हो तो यहीं से आप एग्जिट करके सीधा आगे अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। जैसा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो हर कोई इंतजार कर रहा है भाई 22 जनवरी को यहाँ आने के लिए जैसे अयोध्या में। तो अयोध्या तो आप आ जाओगे, लेकिन आप यहाँ आकर कौन से होटल में रुक सकते हो और कौन सी धर्मशाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और किस प्राइस में आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब रुक सकते हो, तो आपको सब कुछ डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले जैसे अभी हम रेलवे स्टेशन पर हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से सीधा हनुमानगढ़ी, तो जो मंदिर है हमारा तो वहाँ पे चलते हैं और सबसे बीच में जितनी धर्मशाला होंगी तो हम आपको सब कुछ बताते हुए चलते हैं भाई। जैसा कि अभी मैं अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हूँ, तो यहाँ से हनुमानगढ़ी जो मंदिर है टोटल 900 मीटर है, तो करीब अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो अगर मैं डायरेक्शन पर क्लिक करता हूँ, आ जा भाई, ये देखो 950 मीटर आया था अभी, तो ये कुछ 950 मीटर का कुछ डिस्टेंस होगा, तो जो कि आप यहाँ से कवर कर सकते हो बिल्कुल बाय वॉक। तो चलो चलते हैं और यहीं से आपको बिल्कुल जो ये अगर जैसे आप यहाँ से आते हो ना, तो यहीं से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपका लेफ्ट साइड ही एक धर्मशाला है, गुजराती धर्मशाला, तो वो भी आपको बता देते, उसके प्राइस बता देते। चलो जी, देख सकते हो यार ये वानर्स है ना, तो इनको भी ठंड लग रही है भाई यहाँ पर। तो ये रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सीधा रास्ता आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले पड़ेगा ये गुजराती धर्मशाला, तो देख सकते हो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर बोर्ड पर दिख जाएगा, तो अगर आप आते हो तो पहले बुक कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके का होगा ये गुजराती धर्मशाला। तो हम ये वाले कट से रेलवे स्टेशन से आए हैं सीधा, तो आप देख सकते हो यही वाला कट बिल्कुल रेलवे स्टेशन जा रहा है, तो अभी हम यहाँ से आते हुए एग्जिट करें, तो यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है अभी ये इस तरफ, ये जा रहा है हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ। तो चलो चलते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के लिए। अभी हम आ चुके हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में और सीधा जाके हनुमानगढ़ी आएगा कुछ इस तरफ से, सीधा जाके हनुमानगढ़ी और जो ये राम पथ है। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई यहाँ का अभी कुछ व्यू, तो सुबह सुबह का कुछ 9 बज रहे हैं, तो देखते हैं अभी कुछ क्या व्यू है भाई। चलो चलते हैं। जैसे कि आप रोड से एंट्री लोगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर मिल जाएगा, जिसमें आप अपना फ्री में लॉकर सेवा ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ काउंटर बना के रखा गया है, जिसमें आप अपने लॉकर ले सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा भाई। अपना बैग रख सकते हो, मोबाइल रख सकते हो, पावर बैंक वगैरह, बेल्ट वगैरह सब कुछ भाई, लेकिन सिर्फ अपने पैसे लेके जा सकते हो अपने साथ।
आ ही रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एक लॉकर सर्विस देखने को मिल जाएगा। ये लॉकर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री लॉकर सर्विस, और इसी के साथ यहाँ पर आप अपना वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो यहाँ से अभी राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर, तो चलो जो चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ से आगे आप अपना बैग वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते, बिकॉज आपको यार अलाउड नहीं अंदर। बेल्ट हो गया, फोन हो गया, कुछ भी, मतलब सिर्फ कैश लेके जा सकते हो यहाँ से आगे, जो कि होगा राम मंदिर के लिए। तो अभी चलो चलते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर जो लॉकर रूम है, अपना लॉकर रूम में अपना बैग जमा करा देते हैं, फोन जमा करा देते हैं, फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए राम मंदिर के। तो हम आपको वो वीडियो तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन यार ठीक है, हम आपकी तरफ से भी भाई बिल्कुल मन्नत मांगेंगे कि आप सभी की भाई ख्वाहिश पूरी हो और आप जल्दी से जल्दी यहाँ विजिट करें। तो चलो चलते हैं। A few minutes later. So guys, जैसा कि अभी हमने अपना सामान लॉकर रूम में रख के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे, तो अभी हमारा दर्शन हो चुके हैं और अभी हमने अपना सामान वापसी ले लिया, बेल्ट वगैरह, फोन वगैरह, यहाँ तक बैग, जितना भी सामान था सब भाई उन्होंने वापसी ले लिया था हमारे लॉकर के अंदर ही। तो चलो हमने अपना रिटर्न सामान ले लिया और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से हनुमानगढ़ी मंदिर, तो चलो आपको भी दर्शन करवाते हैं और उसके बाद चलेंगे घाट पर। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के गली की तरफ, आप देख सकते हो ये जो रोड जा रही है बिल्कुल सीधा यहाँ से हनुमानगढ़ी मंदिर आएगा। तो चलो चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ से देख सकते हो आप अपने प्रसाद के रिलेटेड ये अपने बेसन के लड्डू वगैरह या कुछ अपनी मिठाइयाँ ले सकते हो, तो अंदर जाके आप चढ़ा सकते हो मंदिर में। ये देखो यहाँ से फूल वगैरह भी ले सकते हो। तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब काम चल रहा है अभी, तो धीरे धीरे ये प्रॉपर वर्क हो जाएगा। तो बाकी आप देख सकते हो आगे का नज़ारा कुछ, तो चलो आगे चलते हैं। और अभी दर्शन करके आ चुके हैं और ये अभी हम एग्जिट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो उस तरफ का अभी ना जो लाइन है वो रोक दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है। तो देख सकते हो अभी हम यहाँ से बाहर जाते हैं और अपने शूज़ वूज़ पहन के फिर आपसे मिलते हैं बाहर। तो दोस्तों फाइनली अभी हमने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन कर लिए और अभी हम यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं घाट की तरफ। तो घाट भी आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी ना कुछ 12 बज चुके हैं तो सारे मंदिर अभी जो यहाँ पे आसपास में है वो सारे बंद हो चुके हैं। तो अभी हम कर रहे हैं 4 बजे का वेट, तो सबसे पहले इसलिए हम जा रहे हैं घाट। तो घाट पे एक बार होके फिर हम सीधा मंदिर आएंगे। चलो जी चले। आज से करीब मैं 2 से 3 साल पहले की अगर मैं वीडियो देखता हूँ ना यूट्यूब पर, तो बहुत ज़्यादा यार अलग ही दिखती है वीडियोज इस रोड की। तो अभी मैं हनुमानगढ़ी से जैसे घाट की तरफ जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अब ये वाली रोड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो यार कितनी डिजाइनिंग लाइक शॉप्स हो चुकी हैं और हर शॉप के बाहर उनका नाम भी लिखा हुआ, जैसे मोहित श्रृंगार महल, रूही सौंदर्य प्रसादन। तो इधर देखो यार, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो इतने कलर कलर हो चुके हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि अलग ही भाई। ये रास्ता आ रहा है हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ से। तो अभी देखो हमने यहाँ से आते हुए सीधा इस तरफ आए, तो ये आ गया आपका लता मंगेशकर चौक। तो आप ये देख सकते हो और ये है लता मंगेशकर की फोटो यहाँ पर, और उस तरफ आप देख सकते हो ये सूरज स्तंभ है ये वाले। तो 10 इस तरफ होंगे, 10 इस तरफ, मतलब लेफ्ट राइट, तो 10 10। सो दोस्तों फाइनली अभी हम घाट पर आ चुके हैं, आप देख सकते हो ये सारा घाट है भाई वो। तो इधर देख सकते हो आप, इधर स्नान वगैरह भी कर सकते हो और ये बोट पर जाकर थोड़ा सा इधर राउंड वगैरह भी लगा सकते हो। तो देखो एक्चुअली उधर से वो ट्रांसपोर्ट वाला मतलब व्हीकल आपके जा सकते हैं, और एक वो जो आप पुल देख रहे हो उधर से ट्रेन का ये ट्रैक है, तो बहुत बढ़िया है भाई। तो चलो अभी हम भी चलते हैं, मुँह धो लेते हैं भाई वहाँ जाके। तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल घाट के पास पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हो पीछे और ये कुछ बोट वगैरह।
तो अगर आप आते हो तो यहाँ से भाई अपने मुँह धो सकते हो। यहाँ पे और भी मतलब लोग ना उस तरफ ज़्यादातर जाके मुँह धो रहे हैं, बाकी बोट्स देख सकते हो आप। और बाकी कुछ इस तरफ से ये घाट का नज़ारा है, तो नया घाट कुछ इस तरफ से इस तरफ होगा तो आप जा सकते हो। तो चलो गाइज, अभी हमने घाट पर भी दर्शन कर लिए और मुँह धो लिया हमने घाट पर, तो अभी चलो चलते हैं आगे। और अभी जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन का होने वाली है, अभी बाहर जाके देखते हैं, तो जो भी नियर बाय होगा हमारा लोकेशन या जो भी मंदिर होगा तो हम वहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। हम सब ने ना बचपन में ऐसे कुछ टॉफियाँ खाई होंगी, ये मीठी मीठी होती है जो संतरे वाली, तो हम ना आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो ये बंदरों के ऊपर, तो देखते हैं यार वानर से ना ये हमारी खाती नहीं खाती। अब यहाँ से कर रही ले, वो खा गई ले, खोखो खोखो हो गए भाई। ये तो मेरे को गुस्से में देख रहे हैं, कह रहा मेरे को क्यों नहीं, ये दोनों ले गए खोखो, गायब हो जाओ भाई, नाराज हो गया ये, कह रहा मेरे को नहीं दी तुमने तो वो दोनों की लॉटरी खुल गई। तो वैसे बैग इन्होंने खा ली यार, वो संतरे वाली टॉफी इनको पसंद भी आई है। चलो चलते हैं अब बाहर।